अस्सलाम वालेकुम, फोर्थ ग्रेड में वेलकम। आज हम बनाएंगे आलू के शामी कबाब। वैसे तो आप लोग बीफ का या चिकन का शामी कबाब बनता ही है, लेकिन आज मैं आपको आलू से शामी कबाब बनाना बताऊंगी, जो बहुत ईजी है और मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने आलू लिया, ये 1 किलो है मेरे पास आलू, ठीक है। इसको आपने छील के काट लेना है, मैंने अभी बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसके साथ ये लहसुन के जवे हैं बड़े साइज़ के, 4 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, और मेरे पास 2 बड़ी साइज़ का अदरक था, उसको मैंने आधा कर लिया है, ठीक है। तो बड़ा अदरक के 2 मेरे पास। पुदीना है, ये मैंने 1 कप के करीब लिया है पुदीना, और ये हरधनिया भी है, इसको हम चॉप करके यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 1/2 कप के करीब मेरे पास चने की दाल है, और ये कच्ची है, ठीक है। साबुत गुड़ वाली मैंने मिर्चें ली हैं इसके अंदर 6 से 7। इसके साथ ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, और ये 2 अदद अंडे लिए, ठीक है। 3 अदद मैंने प्याज लिए दरमियानी। लौंग है, ये 7 से 8 लौंग है, ठीक है, और 10 से 15 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, और ये 4 से 5 बड़ी इलायची, और 3 अदद मैंने तेज़पात लिया है, और इसके साथ ये सफ़ेद ज़ीरा है, ठीक है, और काला ज़ीरा थोड़ा सा लिक्विड में हम डालेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा मैंने इसमें रखा है काला ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 खाने के चम्मच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैंने नमक लिया है हसबे ज़ायका, और ये 6 से 7 मेरे पास छोटी हरी मिर्चें पतली वाली, ठीक है, ये ऐड होंगी। अच्छा देखिए, मैंने आलू डाला है पानी में, ठीक है, इतने पानी में तमाम चीज़ें इसको गलाऊँगी, और चने की दाल को आपने बिल्कुल बिल्कुल पीसना नहीं है, खड़ा रखना है, ठीक है। ये भी मैंने ऐड किया इसके अंदर, ये अदरक और लहसुन के जवे, ठीक है। इसके साथ ही काला सफ़ेद ज़ीरा, लौंगें, काली मिर्चें, तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी, और ये छोटी इलायची, ठीक है। अब मैं इसको गलाऊंगी। और इस साथ साथ गोल वाली साबुत मिर्चें, अब मैं इसको गलाती हूँ। अच्छा देखें, जो मैंने इसमें मैंने आलू डाले थे बिल्कुल गल गए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रख लिए, ठीक है, आलू मैंने इसको निकाल के अलहदा कर लिया है, ठीक है, ये बिल्कुल गल चुके हैं। इसके साथ ही अब ये जो दाल है, ठीक है, ये गलने वाली है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक, और ये है चिकन पाउडर, क्योंकि आपको पता है कि जो आलू है वो जल्दी गल जाती है बनस्पत दाल के। मैं इसको थोड़ा और कुक करूंगी। अच्छा, मैंने इसमें आलू डाल दिए, ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको पीस लूँगी। इसको हम बिल्कुल पीस लेंगे, चने की दाल, आलू, तमाम मसालों को, उसके साथ फिर इसके कबाब बनेंगे, इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। अच्छा देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, ठीक है, तमाम चीज़ों को, अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। ये प्याज है, ठीक है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये पुदीना है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, और इसको हम अंडे में डिप करके जो है फ्राई करेंगे। इसको एक काम इसमें ऐड कर देती हूँ, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अच्छा देखें, मैं इसको ये इस तरीके से हमने कबाब बना लेने हैं इसके, ठीक है। इस पर आप हल्का सा ऑयल लगा लें,
अंडा चाहे तो आप डिप करके भी इसमें ऐड कर बना सकते हैं, और चाहे तो उसके अंदर भी आप ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसी में मिक्स कर लिया। अच्छा देखें, कबाब जब बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है जी, तो ये कबाब रेडी है, आलू का शामी कबाब। उसको आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार बनते हैं चटनी के साथ, सलाद के साथ। उसको आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।